शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था। इनके बचपन का नाम शमशेर राज कपूर था। शम्मी कपूर फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे थे। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। उन्होंने 1953 में फिल्म जीवन ज्योति से अपनी अभिनय पारी की शुरुआत की। साल 1957 में नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा में जहां अभिनेत्री अमिता के साथ काम किया, वहीं साल 1959 में आई फिल्म दिल देके देखो में आशा पारेख के साथ नजर आए। दिल देके देखो, दिल देके देखो, दिल देके देखो जी, दिल लेने वाला दिल देना सीखो जी। साल 1961 में आई फिल्म जंगली ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके बाद वो सभी प्रकार की फिल्मों में एक नृत्य कलाकार के रूप में अपनी छवि बनाने में कामयाब रहे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं। उन्होंने चार फिल्मों में आशा पारेख के साथ काम किया, जिसमें सबसे सफल फिल्म तीसरी मंजिल रही। साल 1960 के दशक में शम्मी कपूर प्रोफेसर, चार दिल चार राहें, रात के राही, चाइना टाउन, दिल तेरा दीवाना और कश्मीर की कली जैसी सफल फिल्मों में दिखाई दिए। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। फिल्म ब्रह्मचारी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। सुक्कू सुक्कू, ओ हसीना जुल्फों वाली, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा जैसे गानों में उन्होंने बड़ी ही मस्त मौला शैली में थिरकते हुए अदायगी की। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्ला अल्ला इनकार तेरा। कश्मीर की कली, राजकुमार, जानवर और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी कुछ फिल्मों में उनकी अभिनय क्षमता पर सवाल उठे, लेकिन जंगली, बदतमीज, ब्लफ मास्टर, पगला कहीं का, तीसरी मंजिल और ब्रह्मचारी की बेहतरीन सफलता के जरिए शम्मी ने अपने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास। मोटापे की वजह से शम्मी कपूर को बाद में फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं से हटाना पड़ा, लेकिन वो चरित्र अभिनेता के रूप में फिल्मों में काम करने लगे। उन्होंने मनोरंजन और बंडल बाज नाम दो फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन ये फिल्में नहीं चली। वो एक लोकप्रिय अभिनेता ही नहीं, हर दिल अजीज इंसान थे। उन्होंने 14 अगस्त 2011 को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।